160 किलोमीटर रफ्तार थी बुलेट ट्रेन की, केबिन छोड़कर ब्रेक पर चला गया ड्राइवर और फिर जो हुआ वो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुरभि आपके साथ। दोस्तों जापान अपनी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन, समय की पाबंदी, कुशल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। इसी वजह से जापान में बुलेट ट्रेन विदेशी पर्यटकों को लुभाती है, लेकिन वहाँ बुलेट ट्रेन चालक ने इस समय जो गलती की उसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ गई। तो यहाँ दोस्तों क्या है ये मामला जानेंगे पूरी बात डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को दिल से लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों दरअसल जब बुलेट ट्रेन 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हो तो चालक अगर केबिन छोड़कर वॉशरूम चला जाए और ये बात आपको मालूम चले तो आपको कैसा लगेगा कॉमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ये मामला वैसा ही है, जी हाँ, जैसा हमने आपको शुरू में बताया। 16 मई की घटना है जब बुलेट ट्रेन चालक केबिन छोड़कर वॉशरूम के लिए निकल गया और ट्रेन जो है वो 160 किलोमीटर यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अचानक 36 साल का ड्राइवर हिकारी बुलेट ट्रेन के कॉकपिट से करीब 3 मिनट के लिए बाहर रहा। ड्राइवर ने इस दौरान एक कंडक्टर को ट्रेन की जिम्मेदारी दे दी थी जिसके पास ट्रेन चलाने का लाइसेंस भी नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार, समय के अनुसार ये जो ट्रेन है वो सुबह 8:15 पर तेजी से पटरियों पर दौड़ रही थी। जापान में बुलेट ट्रेन में मौजूद कंडक्टर लोगों को ट्रेनों में चढ़ाने और उतारने के अन्य कार्य करते हैं, वे ट्रेन ऑपरेट नहीं करते। बुलेट ट्रेन के ड्राइवर ने बाद में माफी मांगते हुए कहा कि वो लंबे समय से वॉशरूम नहीं गया था, उसे दर्द होने लगा था और इसी वजह से उसने ये गलती कर बैठा। हालांकि बाद में उस ड्राइवर को माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन आपको बता दें कि भगवान का शुक्र है कि उसमें कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।